अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ पराठा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का बाउल लेना है। 3 कप फ्लार मैदे का आटा शामिल करेंगे। 1, 2, 3। 1 अदद अंडा, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून घी, 1/2 कप दूध। थोड़ा थोड़ा शामिल करके हम इसे सॉफ्ट गूंदेंगे। इस तरह से मिक्स करना है अच्छी तरह। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसे हम गूंदेंगे। तकरीबन 1/2 कप दूध डालना है हमें और इसका सॉफ्ट डो गूंदना है। चाहे तो इसमें आप गूंदते वक्त पानी भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इस तरह हमें हाथ से अच्छी तरह गूंद लेना है और थोड़ा सा मैदे से डस्ट करना है और इस आटे को हमें समेट लेना है। थोड़ा जो घी बचा हुआ है उस पे ग्रीस करके हमें इसे अच्छी तरह समेट लेना है। आटे को ढक कर हमें 1/2 घंटे के लिए छोड़ देना है। अब 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसके पराठे बनाएंगे। इस तरह सॉफ्ट एक कटिंग बोर्ड लेंगे। इस पे हम मैदा डस्ट करेंगे और इस पराठे को हम इस तरह लंबाई में इस तरह हमें रोल करना है। इस तरह साइड में रखते जाना है। इस तरह सारे हमने पेड़े बना लिए हैं गोल गोल और उसे इस प्लेट पे रखते जाएंगे और थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेके इसे इस तरह ग्रीस करेंगे और उसे ढककर हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, इस तरह एक पेड़ा लेना है और कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस पेड़े को रखकर हमें बेलना है। इस तरह हमें सारे पराठों को बेल लेना है। इस तरह छोटे बड़े पराठे भी हम बना सकते हैं। इस तरह हमें सारे पराठों को बेल लेना है। मैंने गैस का चूल्हा ऑन किया हुआ है। इस पे हम एक पैन रखेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। तब हम इन पराठों को सेकेंगे। पैन अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तब उसमें हम 1 टेबलस्पून घी फैलाकर डालेंगे और ये पराठा डालेंगे और उसे हमें गोल्डन कलर होने तक एक तरफ हमें उसे अच्छी तरह सेकना है। थोड़ा सा घी और उस पर फैलाकर डालना है। 1 टेबलस्पून और घी ऊपर से फैलाकर डालना है। Thank you.
गोल्डन कलर आए पराठों पर तब इसे निकालना है। इस तरह सारे पराठे हम अब बनाएंगे। कुछ पराठे ऑयल में हमने सेके और कुछ पराठे घी में। इस तरह सारे पराठे अब तैयार हो चुके हैं। इस गर्मा गर्म पराठों को आप चिकन की बोटी में रोल करके या चाय के साथ अंडा पराठों के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपना, अपने घर वालों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।